से एक पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों आज खड़ा हूँ मैं मुमरा स्टेशन के पास, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या एक मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जानते भी हो लेकिन आपकी मजबूरी है जो उसे आप रोज बर्दाश्त करते हो, कि यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो ये बताऊंगा कि मुमरा की पुलिस जो है, जो मुमरा के पुलिस जिम्मेदार है, जो सीनियर पीआई है, वो होशियार हो जाए मुमरा के रिक्शा वालों से, क्योंकि मुमरा के रिक्शे वाले आज ऐसे हैं कि आज यूपी हो या बिहार हो या बांग्लादेश हो, आज हर जगह से लोग वहां, जो लोग मतलब एक पुलिस बोलते ना, तड़ी पार हमने कर दिया, एक उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनका एक अपराधी है वो, तो इस तरीके से आज मुमरा कौसा के अंदर रिक्शे के आड़ में जो है वो यहाँ आके बैठे हुए हैं, और इनकी वजह से हर एक वो बुरा काम जो है ना, आप कहीं भी आप देख लीजिए, आज मुमरा पुलिस चौकी के अंदर आज जो भी केसेस रहेंगे, ज़्यादातर करके रिक्शा चलाने वाले या रिक्शा चालक का मतलब यही उनका डिटेल्स रहता है। तो ये मुमरा पुलिस के लिए है कि मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं मतलब एक छानबीन करें, या उनके लिए कुछ ऐसा एक कानून जो बनाए, ताकि कुछ एक अपराधी और अच्छे जो है उसमें क्या होता है, जो अच्छे रिक्शे वाले हैं वो भी तकलीफ में आते, तो ये आगे से मतलब कोई चीज़ें ना हो। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जब शाम का टाइम होता है 7 बजे के बाद, तो यहाँ पे कुछ रिक्शा वाले जो है ना, सिर्फ कहते हैं कि हम अमृत नगर जाएंगे, अमृत नगर से आगे नहीं जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। रिक्शा वाले एक पब्लिक के लिए, एक पब्लिक को, पब्लिक के सेवा के लिए, पब्लिक के तकलीफ ना हो उनके लिए, मतलब ये रिक्शा चालक जो, टैक्सी चालक जो बनाए जाते हैं, और आज ये पब्लिक को ही तकलीफ देते हैं कि हम अमृत नगर से नहीं आगे जाएंगे, हम अमृत नगर तक ही जाएंगे। तो आगे जो जाने वाले लोग हैं, जैसे शिलपाटा है या कौसा है या किस्मत कॉलोनी है, ऐसी जगहों पर लोग जो है मतलब उनको बहुत तकलीफ होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और रही सवाल एक दूसरी समस्या ट्रैफिक का है, कि रिक्शे वाले कहीं भी लगा के, जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिक्शा वाले लगा के जो है ये खड़े हैं, और रिक्शे वाले मतलब ये इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को, एक आम जनता को ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी जो भी जिम्मेदार है आरटीओ के, उनको भी ध्यान देना है कि इसके ऊपर मतलब कैसी कार्रवाई की जाए, जो बगैर परमिट के, बगैर लाइसेंस के, बगैर बैच के जो रिक्शा चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, उनको कहीं ना कहीं उनको एक तोड़ दिया जाए, या उनको पकड़ के जो भी उसका एक होता है उस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।